आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म हो चुके हैं। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 नवंबर को इंडियन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं बात करें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की, तो श्रीलंका क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। टीम ने 9 मैचों में से 2 में ही जीत हासिल की है, वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही। श्रीलंका मात्र अफगानिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले जीत पाई है। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद से पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान अर्जुन रानातुंगा बुखला से गए हैं। अर्जुन रानातुंगा का कहना है कि आईसीसी के इस कदम के पीछे बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का हाथ है। बीसीसीआई सोच में है कि वो एसएलसी को रोक सकते हैं। जी हाँ, ये शब्द मेरे नहीं, अर्जुन रानातुंगा के हैं। जब से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त किया गया है, जिसका कारण कुशल मेंडिस की स्टेटमेंट बताई जा रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मामला भी बताया जा रहा है, पर कहीं भी ये कंफर्म नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है। पर इसी के साथ अर्जुन रानातुंगा ने बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो भी मुसीबत का सामना कर रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ जय शाह ही हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और जय शाह के बीच संबंध के कारण वो बीसीसीआई इस सोच में है कि सीएलएस को रोक सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। वहीं अर्जुन रानातुंगा ने ये भी कहा है कि जय शाह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, जय शाह के दबाव के कारण ही एसएलएस को बर्बाद हो रहा है। भारत में एक आदमी श्रीलंकाई क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। वो केवल अपने पिता के कारण शक्तिशाली है और भारत के गृह मंत्री जो हैं। ये सारी स्टेटमेंट अर्जुन रानातुंगा ने दी है। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भी हिस्सा नहीं बनेगी। जी हाँ, श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर जगह बनाई थी, जिसके चलते टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भी हिस्सा नहीं रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई होने के लिए नियम के अनुसार जो भी टीम वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान से नीचे जगह बनाएगी, वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। इसी के साथ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका क्या कहना है अर्जुन रानातुंगा के इस स्टेटमेंट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैंपियन ट्रॉफी में श्रीलंका हिस्सा नहीं होगी, ये सबसे बड़ा झटका है श्रीलंका टीम के लिए। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।